ने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है. आफ्टर दैट यू हैव आल्सो अ कम्प्रीहेंशन दैट इज़ बेटर टू गिव, दैट इज द कम्प्रीहेंशन एंड देयर इज द एक्सरसाइज. यू शुड हैव टू फर्स्ट रीड आउट द ऑल क्वेश्चंस दैट विल क्लू इन योर माइंड हाउ एंड व्हाट यू हैव मटेरियल यू हैव फाउंड फ्रॉम दिस कम्प्रीहेंशन. ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह पढ़ लेना, उसके बाद ये कम्प्रीहेंशन से सॉल्व कर लेना. ये बहुत ईजी है, आप ईजीली कर लेंगे. उसके बाद है कम्पोजिशन राइटिंग है. राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी. फेवरेट पर्सनैलिटी पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है. माइंड मैप विल हेल्प यू. दिस इज योर माइंड मैप. बॉर्न, वो कहाँ पैदा हुए, अर्ली एजुकेशन उनकी क्या थी, डिग्रीज, इंटरेस्ट उनका किस में था, वाई डू यू लाइक, आप क्यों उनको पसंद करते हैं, अलाइव और डेड, वो भी जिंदा हैं या मर चुके हैं, और उनकी एज क्या है. ये इसके आपको माइंड मैप बना के दिया है, तो आपने फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है. फेवरेट पर्सनैलिटी मैंने आपको पहले भी कहा है, ज़रूरी नहीं कि आप नेशनल हीरोज़ के बारे में ही लिखें, आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं. आपके फादर भी आपके फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकती हैं, आपके मदर भी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हो जाती है, इवन आपके टीचर्स आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकती हैं. ठीक है, मेरे बारे में आप लिख सकते हैं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी. उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाएंगे. वर्ब एंड सर्कल द करेक्ट वर्ब विद पिंक कलर. पिंक कलर से, आपने, मेरे पास पिंक कलर नहीं था फिलहाल, आप लोगों ने पिंक कलर से करना है. लेकिन अगर आपके पास भी नहीं होगा तो आपने तंग नहीं करना पेरेंट्स को, आपने किसी और कलर से इसको सर्कल कर लेना है. और यहाँ पिंक कट करके वो जो कलर आप यूज़ करेंगे वो लिख लीजिएगा. ठीक है, फिर आपकी वो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी. जैसे सम जॉब्स, अब जॉब्स है तो इज आएगा या आर आएगा, ये तो आपको पता है आर आएगा. सम जॉब्स आर वेरी डिमांडिंग बट सम हैव टू डू देम. नेस्ले द चॉकलेट कंपनी एडवर्टाइज्ड फॉर अ न्यू जॉब रिसेंटली. ठीक है, दे के साथ वाज आएगा या वर, आपने सोचना है, और उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी लिख देनी है. दे के साथ वर आता है. ठीक है, ये मैंने तीन आपके लिए कंप्लीट किए थे, बाकी आपने खुद कर लेने हैं. उसके बाद बच्चों आपकी प्रेपोजिशंस है. आपको पता है प्रेपोजिशन आर द वर्ड विच शो द पोजिशन ऑफ नाउन. सो दीज आर द प्रेपोजिशंस, यू कैन सॉल्व इट विद योर ओन सेल्फ. आई जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शन और एग्जांपल ऑफ वन. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू कम आई वाज गोइंग डैश पार्टी. टू और फोर आपको ऑप्शंस दी हुई हैं. ऑप्शंस वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो आप इजीली कर लेते हैं. टू आएगा, गोइंग टू पार्टी. ठीक है, उस तरह से आपने ये इसको सॉल्व कर देना है. उसके बाद आपकी एडजेक्टिव्स हैं. यू कैन यूज़, यू नो वेरी वेल एडजेक्टिव्स टेल अबाउट नाउन और इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो ये आपको, आपने एज अ एडजेक्टिव ये इमेजेस एज अ एडजेक्टिव यूज़ करने हैं. मेक सेंटेंसेस ऑफ फॉलोइंग इमेज यूजिंग एडजेक्टिव. ठीक है, जैसे ये बॉय है, ही इज़ अ फैट मैन, तो ये जो फैट होगा वो इसका एडजेक्टिव होगा. इट इज़ अ बिग ट्री, ये जो बिग होगा वो इसका एडजेक्टिव होगा. ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे यूज़ कर लेने हैं. जैसे ये लाइन होता है, ये पावरफुल होता है, तो इसके लिए आपने यूज़, अली इज़ अ पावरफुल बॉय. ठीक है, इस तरह से आपने इन इमेजेस को यूज़ करके एडजेक्टिव सोचने हैं. और ये जैसे ब्रेड होती है, ये सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट को आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है. उसके बाद ये नोटबुक का काम है. उसके बाद एडवर्ब्स है, ये आपका बुक पे हो जाए, इसी के ऊपर हो जाएगा, एसवीटी के ऊपर. और ये भी एडवर्ब्स है, उन्होंने एडवर्ब्स का बताया. एडवर्ब इज़ मोर अबाउट वर्ब. एन एडवर्ब विल टेल व्हेन समबडी डिड समथिंग और व्हेन सम टाइम हैपन इन कॉल. एडवर्ब ऑफ टाइम की आपको ऑलरेडी ईजी वाली डेफिनेशन पता है. एडवर्ब ऑफ टाइम टेल व्हेन, कि जो एक्शन है वो कब हुआ. ठीक है, तो वो उसके लिए उन्होंने आगे ऑप्शन दिए हुए. उन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. जैसे द क्लास इज़ ओवर एंड यू कैन गो होम देन, सेड आर टीचर. ठीक है, डैश वी शैल गो टू स्कूल, शैल आया तो टुमारो. ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व कर लेनी है. उसके आगे ये बाकी दी हुई हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, आपने यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, फिफ्थ वाला, ये भी मैं रिपीट कर देती हूँ. द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सीरियस एंड द डॉक्टर मस्ट सी हिम इमीडिएटली आफ्टरवर्ड. इमीडिएटली मतलब अभी फ़ौरन देखें या आफ्टरवर्ड बाद में, तो क्या आना है यहाँ पे, इमीडिएटली. ठीक है, जल्दी से वो देख लें उनको, इस तरह से आपने कर. उसके बाद है कंजंक्शन. ये वाला काम आपका नोटबुक पे होगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है. कंजंक्शन ज्वाइन द वर्ड और अ फ्रेज और क्लॉज. ठीक है, तो ये आपने ज्वाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग द कंजंक्शन गिवन विद इन ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द सेट. आपको कंजंक्शन उन्होंने ऑलरेडी दे दी. उन्होंने कहना है, उन्होंने कहा है कि इनको सेंटेंसेस में आपने सेट करना है. जैसे यहाँ पे द मैच वाज अबंडेंट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है, तो व्हेन आएगा
डॉट की जगह इट स्टार्टेड इन साजिद कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल. ठीक है, साद रैन एज फास्ट एज ही कुड बट कुड नॉट कैच द बस, बट ही कुड नॉट कैच द बस भी हो सकता है. ठीक है, द बॉय वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, यहाँ से ये कट हो जाएगा और फुटबॉल आ जाएगा. ठीक है, इसको आपने नोटबुक पे लिख लेना है. उसके बाद आपकी कंपोजिशन राइटिंग है, ये सारे आपको वर्ड बैंक्स दिए हुए हैं कि आप ये यूज़ करके तो आपने एक कंपोजिशन राइट करनी है. ठीक है, किसके बारे में, द साइन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साइंस आपने बताने हैं कि क्या होता है स्प्रिंग में, जैसे लाइटनिंग डेज होते हैं, सन फुल ऑफ सन होता है, लॉट ऑफ ब्लॉसमिंग ट्रीज होते हैं, इंजॉय करते हैं लोग. ठीक है, बर्ड्स खुश होते हैं क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी होती है, फार्मर्स क्या करते हैं प्लॉफिंग करते हैं. ठीक है, वो भी बिजी रहते हैं, सोइंग द सीड बीज बोते हैं, इस तरह से ये आपको सारी उन्होंने बताई हुई है, तो आपने ये नोटबुक पे सॉल्व कर लेनी है. उसके बाद बच्चों आपको ये थिंक अबाउट दिया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईच ऑफ द पिक्चर, कि आपने एक्सप्लेन करना है और कौन सी एक्टिविटी को आप प्रेफर करोगे. ठीक है, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज यू प्रेफर टू डू, एक्सप्लेन योर चॉइस. जो आपने चॉइस एक्सप्लेन करनी, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे नहीं आप कर सकते, वो जो चॉइस है वो आपने नोटबुक पे करनी है. ठीक है, ये देखें ये क्या कह रहा है, द बॉय इज प्लेइंग भी लिख सकते हैं, टिकलिंग भी लिख सकते हैं. टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना, द लाइन. ठीक है, उसके बाद द बॉय इज लिफ्टिंग अप द एलिफेंट, यानी आप बता रहे हैं कि ये क्या क्या कह रहा है. द बॉय इज एस्केपिंग फ्रॉम क्रोकोडाइल्स, क्योंकि दो है ना इसलिए क्रोकोडाइल्स, बाय होल्डिंग रोप. ठीक है, इस तरह से आपने तीनों बता दिए कि क्या कह रहे हैं. आप अपनी तरह से भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, फिर आपने इनमें से एक प्रेफर करना है कि आप कौन सा काम करोगे, क्या लिफ्ट करोगे एलिफेंट को, क्या इस तरह से रोप के ऊपर चलोगे, या फिर अपने आप को बचाओगे, या फिर लाइन के साथ खेलोगे. तो फिर आपने जो चूज़ करना है उसकी पिक्चर बनानी है नोटबुक के ऊपर. देखो वो उन्होंने लिखा हुआ, ड्रा द गिवन फॉर्मेट ऑन नोटबुक एंड कम्प्लीट इट, फिर आपने उसको कम्प्लीट कर लेना है. उसके बाद ये आपका आ गया है, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी, क्या आप कप ऑफ टी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी फॉर कॉफ़ी. ठीक है, रेसिपी फॉर कॉफ़ी लिख के इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखने हैं, जैसे मिल्क होगा उसमें, कॉफ़ी होगी, शुगर होगा, शुगर की जगह आप हनी भी डाल सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं. ग्रीन इक्विपमेंट यानी उसमें सामान आपका कौन कौन सा यूज़ होगा, जैसे कैटल यूज़ होगी आपकी, पॉट यूज़ होगा, बर्नर यूज़ होगा, वो सारे आपने इधर लिख देने हैं. फिर उसका प्रोसीजर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये भी नोटबुक पे काम होगा. तो और उसका प्रोसीजर यानी कि आपने कैसे कैसे बनाया है, सबसे पहले पुट द मिल्क इन द पैन एंड लेट इट बॉयल, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, एंड बीट द कॉफ़ी इन द कप मोर देन 15 मिनट्स, ओके, इस तरह करके, एंड पुट द स्टेप वाइज आप बता सकते हैं. ठीक है, ये बहुत आपको इजी हो जाएगा, ये पिछली दफ़ा भी SVT में आया था. इसमें जितने क्रिएटिव और कम्प्रीहेंशन है वो पिछली दफ़ा आपके आ गए हैं. अनदर कॉम्प्रीहेंशन डेट इज़ वेरी इजी, और आई थिंक ये आपके एक एग्ज़ाम में भी आ चुकी है, ये एलिफेंट के बारे में. ठीक है, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सारी एक्सरसाइज पढ़ लेनी है और उसके बाद उसको कम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर लेना, ये भी आपका नोटबुक का काम है. क्रिएटिव वर्क आपका सारा नोटबुक पे होगा. उसके बाद टेंसेस की बारी आ गई है. टेंसेस में बच्चों आपसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर ही पूछा गया है. देखें इन्होंने कहा, द स्टोरी बिलो इज रिटन इन प्रेजेंट टेंस विद द एक्शन हैपनिंग नाउ, सर्कल द वर्ब विद ऑरेंज कलर, सर्कल द वर्ब विद ऑरेंज कलर, वर्ब्स को ऑरेंज कलर से सर्कल कर देना. मैंने ब्लू से किया हुआ, आपने ऑरेंज से ही करना है. राइट ईच वन इन द पास्ट टेंस, और उन सबको आपने पास्ट में लिख लेना है. बच्चों अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं होगा, जो कलर भी अवेलेबल होगा, तो ये ऑरेंज कलर को कट करके उसके ऊपर वो कलर लिख दीजिएगा और उससे सर्कल कर लीजिएगा. ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया, आपने सर्कल करना है. फिर आपने सर्कल करके क्वेश्चन डिमांड पूरी करनी है ना. चलो देखें, मैंने भी सर्कल कर दिए हैं और मैंने भी ऑरेंज कट करके ब्लू लिख दिया क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था. ठीक है, ब्लू लिख दिया. तो अब उन्होंने कहा है कि ये सारे पैराग्राफ से आपने सर्कल करने हैं, अब उनको पास्ट टेंस में लिखना है, यानी सेकंड फॉर्म में. प्ले प्लेड, थ्रो थ्रू, सी सा. ठीक हो गया, इसी तरह आपने सारे लिख देना है. मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए. उसके बाद राइट द यूजिंग द पास्ट टेंस वर्ब, री राइट द स्टोरी. फिर इसी स्टोरी को आपने नोटबुक के ऊपर पास्ट टेंस यूज़ करके, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करके इसको पूरे पैराग्राफ को लिख लेना. उसके बाद ये पेज है, री राइट द पैराग्राफ चेंजिंग ऑल अंडरलाइन वर्ब फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस. ये आपको प्रेजेंट टेंस में दिए हुए, तो आपने इसको पास्ट टेंस में लिख देना. ऑलरेडी उन्होंने अंडरलाइन कर दिए हैं, जैसे राइज रोज, चूज चूज्ड, ब्रिंग ब्रॉट, ये मैंने तीन आपके लिए किए थे,
तो आप लोगों ने क्या करना है, नोटबुक के ऊपर ये प्रेजेंट से पास्ट में ले जाना है जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स, ठीक है। बिगिन बिगेन, बाइट बिट, ठीक है, हर्ट हर्ट, कैच कॉट, इस तरह से आपने करना। उसके बाद डिस्क्राइब डेली एक्टिविटी ऑफ लिटिल बॉय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने इसको डिस्क्राइब कर देना, डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिटिल बॉय। एक छोटा है जो बेबी बॉय होता है, उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या करता है, सुबह उठ के वो रोता है, फिर फीडर पीता है, इस तरह से ये आपने सिंपल प्रेजेंट में लिख देना है। खेलता है, बाबा के साथ बाजार जाता है, तो इस तरह से आपने उसको सिंपल प्रेजेंट में यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। और ये बेबी बॉय एक सिंगुलर है, तो आपने इसके साथ एस और ईएस का इजाफा करना है। ये आपने मेरी वीडियो देख लेनी है जो मैंने टेंसेस के ऊपर दी थी, सिंपल सिक्स क्लास की, ठीक है, सिक्स क्लास की भी सिंपल टेंसेस पे दी है, तो वो आप देख लेना और उसके बाद सॉल्व करना तो आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद हाउ विल यू स्पेंड योर समर वेकेशन, आप अपने समर वेकेशन कैसे गुजारेंगे, विल फ्यूचर टेंस, ठीक है। डिस्क्राइब योर प्लान यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस कि आप क्या करेंगे। आई के साथ आपको पता है शैल और फर्स्ट फॉर्म लगनी है। आई शैल वेक अप इन द मॉर्निंग, आई शैल वॉक, आई शैल ईट माई लंच विद माई पेरेंट्स, आई शैल कंप्लीट माई समर वेकेशन टास्क एक्सेट्रा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दें। उसके बाद ये आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, ये आपको पहले भी मिला था कि आपने डिफरेंट इमेजेस आर गिवन बिलो टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेटिंग द आइडिया। ये आपने आइडियाज़ आपको दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा मेक अ हाउस यूजिंग पॉप साइल स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है, सॉरी पॉपसिकल, ठीक है, मेक अ हाउस यूजिंग पॉपसिकल स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स। उनके जरिए आपने इसमें से कुछ भी कोई भी इमेज बना सकते हैं। डैट इज़ योर प्रोजेक्ट, दिस इज़ योर इंग्लिश समर वेकेशन टास्क। ओके, अल्लाह हाफिज़।